बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, खुशदिल शाह ने जानबूझकर एक आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसके बदौलत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस काबिल नहीं हुई कि पाकिस्तान ये मैच जीत सके। दोस्तों, खुशदिल शाह ने आसान सा कैच छोड़कर पूरे पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में खराब कर दिया। दोस्तों, बाबर आजम भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाए और खुशदिल शाह को गालियां निकालनी शुरू कर दी बड़े मैच के दौरान। दोस्तों, खुशदिल शाह को उन्होंने कहा कि बेगैरत के बच्चे एक आसान सा कैच नहीं पकड़ सकते, और वो भी इस तरह कैच छोड़ दिया जैसे सब कहेंगे कि ये जानबूझकर कैच छोड़ा है। दोस्तों, जवाब में खुशदिल शाह ने भी ऐसा अल्फाज कह दिया कि उनको नहीं कहना चाहिए था। दोस्तों, खुशदिल शाह ने कहा कि कैच छूटा तो क्या हुआ, कयामत तो नहीं हुई। लेकिन खुशदिल शाह ने इस कैच को छोड़कर पाकिस्तान के हाथ से जो नहीं जीता हुआ मैच था वो हार गया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। इससे बड़ी जरूरत की बात नहीं होगी कि दो मुसलसल मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी घटिया फील्डिंग कर रही थी और इतने आसान से कैचेस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम छोड़ रहे हैं। दोस्तों, खुशदिल शाह के इस इकदाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्या बाबर आजम को इस तरह का गुस्सा करना चाहिए था या नहीं, आपने ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मजीद वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलना चाहूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।